ओम परमात्मने नमः। जय शंकर की, जय शंकर की, जय जय शंकर। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि आज का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, समाज कैसा है, इस समाज में रहते हुए हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रिय बंधु, आज ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के तीन महत्वपूर्ण ऐसे नियम इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, जो जो भी व्यक्ति पालन कर सकने में समर्थ अपने आप को पाएंगे, इन तीन नियम को निश्चित ही मैं बता रहा हूँ, कदाचित उनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित ही नहीं होगा, ना ही तो स्वप्न दोष होने की संभावना होगी, ना अन्य प्रकार से। जो व्यक्ति पहले से बहुत अधिक बिगड़े हुए हैं, पहले से बहुत अधिक ब्रह्मचर्य पालन को खंडन किए हैं, ब्रह्मचर्य खंडन किए हैं, सदा से उसी कामों में लगे हुए हैं, उनका टाइम लगेगा, महीने, दो महीने, चार महीने, परंतु नियम अगर आपने इसे पकड़ लिया, तीन नियमों को, निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकेंगे। सर्वप्रथम हम आज ये समझने वाले हैं आज का मेरे प्रिय बंधु वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, और इस वातावरण में हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, उस समाज का हम लोगों के ऊपर अथाह प्रभाव पड़ने वाला, अथाह प्रभाव जिसे कहा जा सकता है। मेरे प्रिय बंधु, जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, वही आप बनते चले जा रहे हैं, सोचते हैं जो वही बनते चले जा रहे हैं, तो वो हम लोग समाज में ही देख रहे हैं, सब कुछ वैसा ही हम बनते चले जा रहे हैं। आज के बच्चे मेरे प्रिय बंधु, जैसे जैसे युवा हो रहे हैं, 10-12 साल 15 साल ऐसे हुए, वो क्या देख रहे हैं, वो सदैव से देखते आ रहे हैं कि हमारे माता पिता लगे रहते हैं 24 घंटे काम में, हमारे अगल बगल में जो भी लड़के हैं, वो लड़के क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमारा ये है, हमारी वो है, हम इनसे, हमारा उनसे, आपने अभी तक एक भी नहीं कर पाए और हम इतने कर लिए, उतने कर लिए, ऐसी ऐसी चर्चाएँ, और वो भी बहुत ही बुरी बुरी तरीके से चर्चाएँ हो रही हैं। ये चर्चाएं हमें ब्रह्मचर्य की ओर लेकर जाने वाली नहीं है, ये चर्चाएं हमें काम वासना की तरफ लेकर जाने वाली है, जहां पर हमें रोग शोक घेर लेगा। मेरे प्रिय बंधु, शरीर बिल्कुल ही रोगी, जर्जर, कमजोर बनता चला जाएगा, और शरीर ही नहीं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे व्यक्ति, मानसिक रूप से उन्हें जानकारी ही नहीं, ज्ञान ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बंधु, ये समझने का प्रयास करिए कि आज जो बच्चे 10-12 साल 15 साल के हैं, उनकी ही स्थिति देख लीजिए। वो बच्चे जो 10-12 साल 15 साल में मेरे प्रिय बंधु ऐसे चमकने चाहिए, जो कहने की आवश्यकता नहीं है, परमपिता परमात्मा की कृपा से बच्चों में वो ओज तेज होता है, जो हर एक व्यक्ति, जो हम लोग ऋषि मुनि अथाह तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वो ओज तेज वो बच्चों में मेरे प्रिय बंधु स्वाभाविक होता है। आज के बच्चे 10-12 साल में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बच्चों के ऊपर न चेहरे पर तेज दिखाई दे रहा है, न शरीर, तो समझ लीजिए कि ऐसा है कि 10-12 साल में बच्चों के शरीर में विकास नहीं हो सकता, उतना धीरे धीरे होता है, परंतु दिमाग, ज्ञान, ये सब मेरे प्रिय बंधु कहाँ जा रहा है, और ओज तेज कहाँ जा रहा है, क्यों ऐसा हो पा रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे 12-15 साल से ब्रह्मचर्य खंडन करना प्रारंभ कर रहे हैं और बिल्कुल ही रोगी बनते चले जा रहे हैं, और 25 साल की उम्र में तो उनका ये कहेंगे घुटना दुख रहा है, तो ये कलाई दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है, ये सब मेरे प्रिय बंधु अथाह रोग इस संसार में हम लोगों को दिख रहा है, जो हम लोगों को घेरे हुए, इनसे बचने के लिए हमें ब्रह्मचर्य पालन की तरफ मुड़ना होगा। और ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है, इस समाज में रहते हुए, जिस समाज में मेरे प्रिय बंधु 90% कापुरुष ही कापुरुष है, जो सिर्फ और सिर्फ भोगों में ही उन्हें आनंद है, जहाँ भी लड़के हैं तो लड़की देख लिए तो बस वो आनंद में, और लड़की हैं तो लड़के देख लिए तो वो आनंद में, बस वही आनंद उनके लिए चिरानंद बन गया है, जैसे मेरे प्रिय बंधु बिल्कुल ही परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं, वही क्या कहते हैं कि भोगों में लिप्त होकर। तो मेरे प्रिय बंधु, हम लोगों को क्या करना है, जो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, मेरे प्रिय बंधु संसार में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में अपना हाथ बढ़ाए उस क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करें, ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा अपने शरीर को बनाना चाहते हैं, अपने दिमाग को बनाना चाहते हैं, मानसिक रूप से बलवान बनना चाहते हैं, आत्मिक रूप से बलवान बनना चाहते हैं, संसार में मेरे प्रिय बंधु किसी भी प्रकार से आप बलवान बनना चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं, निश्चित ही आपको ब्रह्मचर्य की ओर जाना होगा। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, पूरे इतिहास में आपको दिखेगा कि जो भी ऊंचे स्थान पर पहुंचा है सिवाय ब्रह्मचर्य के कोई भी नहीं पहुंचा। ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु वो, जो हम लोग अगर सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकाल दें, हमारा दिमाग ही काम नहीं करने वाला है, अच्छे से दिमाग नहीं काम करेगा, निगेटिव एनर्जी हो जाएगा, बुराई, निंदा, चुगली,
बस वही समाज में लगकर समाज की बुराई निंदा चुगली चालू हो जाएगी, तो फिर निश्चित ही हमारे विकास की संभावना वहीं पर समाप्त हो जाती है और पतन की संभावना शुरू होती है वहां से, जहां से मेरे प्रिय बंधु हमारा शास्त्र कहता है कि हम दूसरे की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे, जलने लगे दूसरे से देखकर उनकी उन्नति। तो मेरे प्रिय बंधु, अगर आपको निश्चित ही इन सबसे हटकर आप एक यशस्वी समृद्ध बालक बनना चाहते हैं, समृद्ध युवा बनना चाहते हैं, जिसमें ओज तेज हो, बल हो मेरे प्रिय बंधु, जो कि 10 20 25 50 लोगों को अकेला डराने में काबिल हो, उतना बल मेरे प्रिय बंधु आपको ब्रह्मचर्य देगा। ब्रह्मचर्य पालन निश्चित ही आप ये समझने का प्रयास करिए, जो भी व्यक्ति करना चाहते हैं मन से, ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उनका क्या है कि सिस्टम, अगर कोई लड़की सामने से आ जाए तो उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। कोई लड़की अगर उन्हें, मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें अपना नंबर देना चाहे कोई भी लड़की, तो वो निश्चित ही व्यक्ति जो कह रहा है मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ नंबर ले लेगा। और एक वास्तविक ब्रह्मचर्य पालन मेरे प्रिय बंधु अप्सरा भी आ जाएगी तो भी वो नंबर तो बात की दूर है, सिर उठाकर ऊपर देखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ पर गए तो हमारा शरीर भी जाएगा, दिमाग भी जाएगा, संसार से जाएंगे, परलोक से जाएंगे, लोक से जाएंगे, सभी चौथरफा मेरे प्रिय बंधु हम लोग चले जाएंगे। जैसे 90% संसार में मनुष्य पैदा होते हैं कीड़े मकोड़ों की भांति, जीते हैं और मर जाते हैं, ना कोई जानता है ना कोई पूछता है, तो वही हाल मेरे प्रिय बंधु हम लोगों का होने वाला है अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन ना करें तो। और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो निश्चित ही आप ये समझने का प्रयास करिए, सर्वसमर्थ आप बनने के लिए मेरे प्रिय बंधु तत्पर हो जाएंगे। सर्वसमर्थ बनने में आप ये समझने का प्रयास करिए कि अपने आप को समर्थ पाएंगे सिर्फ ब्रह्मचर्य से, और ये ब्रह्मचर्य आप कैसे पालन करें, हम कैसे पालन करें, ये समझने का प्रयास करिए। आज के समय में व्यक्ति काफ़ी व्यस्त हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हो, मेरे प्रिय बंधु सभी लोग व्यस्त हैं, परंतु इस व्यस्तता में भी अगर आप मात्र 1 से 1.5 घंटे निकाल सकें समय, 1 से 1.5 घंटे समय निकाल सकें, निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य पालन 24 घंटे आप आराम से कर सकते हैं। आपके मन में ना ही तो निगेटिव एनर्जी आएगी, ना ही तो आप लड़कियों को देखकर आकर्षित होंगे, ना ही तो किसी तरीके से आपके मन में निंदा चुगली का विचार आएगा कि इनका निंदा करें, उनका चुगली करें, उनका बुराई करें, इन सबके विषय में आप सोचेंगे नहीं। मेरे प्रिय बंधु, सर्वप्रथम आपका ये नियम होगा, 3 नियम में से जो नियम हम स्वयं पालन करते हैं, मैं बिना आचरण किए बिना व्यवहार किए आपको बताने लायक नहीं हूँ और ना ही बताता हूँ कुछ भी। मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए, जो भी मैं आपके सामने साझा करता हूँ शेयर करता हूँ, निश्चित ही हम उसे पालन करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं, ये समझने का प्रयास करिए। ये तीनों नियम हमने अपने ऊपर देखा है और ये नियम कारगर है, सिद्ध है, हमें लाभ हुआ है, ये समझने का प्रयास करिए। और निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बल भी बढ़ा, ज्ञान भी बढ़ा, और मेरे प्रिय बंधु आंतरिक रूप से आप समझिए कि आत्मबल जिसे कहा जा सकता है अथाह बढ़ा। अथाह बढ़ने का अर्थ ये है कि मैंने पिछला वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं जाकर, अच्छे से बढ़ा, अथाह नहीं बढ़ा कि अथाह हो गया, लेकिन अच्छे से बढ़ा, काफ़ी बढ़ा, ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम नियम तो आपको यही लेकर चलना होगा ब्रह्मचर्य में कि 8 नियम जो ब्रह्मचर्य का है वो तो आपको पालन जो कर रहे हैं कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं ये समझने का प्रयास करिए, वो 8वां नियम तो आपको करना ही करना है। उन 8वां नियम से अगर आप भटक गए तो फिर निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएंगे। परंतु 8वां नियम में मेरे प्रिय बंधु जो वहां पर दिया है उसे छोड़िए, मैं जो 3 नियम बता रहा हूँ, ये 3 नियम भी अगर आप नियम से चलें और प्रतिदिन इस नियम को लेकर चलें, अपने जीवन में इसे धारण करें, तो निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी, ज्ञानवान बन सकते हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। समाधान मेरे प्रिय बंधु आपको मैं इन 3 नियमों का जो देने जा रहा हूँ, ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम नियम यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। बहुत से बच्चे सोचेंगे, बहुत से बालक सोचेंगे, हम लोग जो है कि सोचते ही थे, पहले भी हम लोग सोचते थे, तो ये समझने का प्रयास करिए, हम लोग सोचते थे अगर सुबह हम लोग उठ रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, और नहीं उठ रहे हैं तो फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्रह्मचर्य खंडित कैसे हो जाएगा उससे। मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य का प्रभाव और ब्रह्मचर्य पालन सुबह उठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये समझने का प्रयास करिए। 3 बजे अगर आप नहीं उठ रहे हैं तो आपका स्वप्न दोष हो जाएगा, और स्वप्न दोष हो जाएगा आप जर्जर कमजोर रोगी बनते चले जाएंगे, ये समझने का प्रयास करिए। निश्चित ही आप ये समझने का प्रयास करिए कि 3 बजे उठने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते। 3 बजे ही नहीं, 4 बजे भी उठ सकते हैं, 3 बजे कोई वो नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति नहीं उठ पा रहा है निश्चित ही वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। 8वां नियम, 200 नियम, 100, 150, 500, 1000, 2000 नियम जो भी हैं, सभी नियमों को ताक पर रखिए। ये 3 नियम जो भी व्यक्ति पालन नहीं कर पाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, और जो भी व्यक्ति पालन कर पाएंगे वही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे और यशस्वी, ज्ञानवान, बलवान बन सकते हैं, ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठना।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमने काफी वीडियो बनाए मेरे प्रिय बंधु, उन वीडियो को देखिए और अपने आप को समझाइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें लाभ क्या मिलने वाला है। आपका चेहरा ओजस्वी तेजस्वी ज्ञानवान बलवान आप निश्चित ही बनते चले जाएंगे, ये समझने का प्रयास करिए। आपका चेहरा कमल के समान चमकने लगेगा। जो क्रीम पाउडर तेल लगाकर लोग निकलते हैं मेरे प्रिय बंधु, मेकअप करके निकलते हैं, उसके बावजूद वो उतने सुंदर नहीं लग सकते जितना सुंदर एक ब्रह्मचारी सुबह उठने वाला वैसे ही लगेगा। 1.5 साल से मेरे प्रिय बंधु साबुन तेल क्रीम नहीं लगाता, कुछ भी नहीं लगाता, ना ही तो मेकअप, सिर्फ जल से मेरे प्रिय बंधु स्नान 2 बार और चेहरा मैं गारंटी देता हूँ अपने गांव में कोई भी हो मेरे प्रिय बंधु क्रीम लगाकर चले चाहे जो। 1.5 साल पहले हमारा चेहरा देखने लायक नहीं होता था, मुंह पे फोड़े फुंसी मेरे प्रिय बंधु अथाह निकला करते थे। तो यह समझने का प्रयास करिए सब कुछ ब्रह्मचर्य से संभव है। ये सब समाप्त हुआ, बल बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, ध्यान बढ़ा मेरे प्रिय बंधु, चौतरफा आपका विकास बढ़ेगा, ये समझने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करिए। हमने स्वयं वीडियो कम से कम 2-4-10 तो बनाए ही होंगे ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त पे, और वो ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो देखिए और अन्य लोगों का वीडियो देखिए। बहुत से सदगुरु हैं और भी गुरु हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त के विषय में हमें बता रहे हैं कि सुबह उठना कितना आवश्यक है, और जो भी व्यक्ति सुबह उठ रहा है निश्चित ही निरोगी काया, रोग उन्हें नहीं लगेंगे। ये मेरे प्रिय बंधु ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव है, व्यक्ति को रोग नहीं होंगे। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते बिल्कुल बिना रोग के बचे नहीं रह सकते, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, सभी प्रकार से उन्हें दर्द ही दर्द मेरे प्रिय बंधु करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका पावर बढ़ाने वाला चीज़ है, हमारे शरीर को बढ़ाने वाला चीज़ है, ज्ञान को बढ़ाने वाला चीज़ है, सभी प्रकार से हमें लाभ ही देने वाला चीज़ है, और बिना ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्मचर्य पालन भी संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात आपने समझ लिया। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है परंतु मैं सब कुछ इसी वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो मेरे प्रिय बंधु, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक करना चाहते हैं और करना चाहते हैं मन से करना चाहते हैं, वही व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे तभी लाभ होगा। पूरा देखने का अर्थ है तीनों नियम जान लीजिए, तीनों नियम का पालन एक ही साथ आपको करना होगा, तभी जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकेंगे, ये समझने का प्रयास करिए, दीर्घ काल तक कर सकेंगे। दूसरा नियम मेरे प्रिय बंधु, आप ये समझ कर चलिए कि पहला नियम तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अगर जो व्यक्ति ध्यान करें मेरे प्रिय बंधु, वे व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन संभव ही नहीं, ये समझने का प्रयास करिए। बात ध्यान वो चीज है मेरे प्रिय बंधु जो 24 घंटे आपको लवंडियाबाजी से बचाएगा, लड़कीबाजी से बचाएगा, अन्य प्रकार से जो कापुरुष काम में आपको खींच लाना चाहते हैं उनसे आपको बचाएगा। मेरे प्रिय बंधु आप चलेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, इधर उधर देख के देखना ताकना ये सब आपका बंद हो जाएगा। पहले दिन नहीं बंद होगा, कम से कम महीने भर करिए, उसके बाद ही ये सब होगा। 21 दिन तो लेकर चलिए सर्वप्रथम, और एक भी दिन ये तीन नियम खंडित ना हो तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे लंबे समय तक और बलवान भी बन सकेंगे। और बिना इसके आप बलवान नहीं बन सकते, कोई लाख उपाय कर ले मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचारी जितना बलवान कोई भी संसारी नहीं बन सकता। खसी बकड़ी खाने वाली की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक ही हाथ में गिर जाएंगे वो लोग, ये समझने का प्रयास करिए। जो 10-12 साल 15 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे विश्व में ऐसा कोई रेसलर, कोई भी मेरे प्रिय बंधु जो कुश्ती लड़ते हैं या पहलवान हैं, कोई भी किसी प्रकार से जिम में जाने वाला ब्रह्मचारी को बल में तो टक्कर ही नहीं दे सकता। और ज्ञान की बात ही छोड़ दीजिए, आत्मबल तो बिल्कुल ही शून्य होगा, जो खसी बकड़ी खा रहे हैं आत्मबल तो शून्य होगा। तो मेरे प्रिय बंधु दूसरा नियम जो ध्यान का है, ध्यान हमें अथाह लाभ देने वाला है। ये ध्यान के विषय में हमने 3 वीडियो बनाया, इन तीनों वीडियो में हमने सर्व समर्थ रूप से आपको समझा दिया है कि ध्यान हमें कैसे करना, कब करना, क्यों करना, कहाँ करना, कितना करना, सब कुछ मेरे प्रिय बंधु उसमें हमने आपको बताया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, जानकारी प्राप्त करिए, और जानकारी प्राप्त करने के बाद ध्यान करिए। तीसरा नियम जो होगा मेरे प्रिय बंधु, ये नियम आप लोगों के लिए ये समझिए कि अमृत के समान, ये नियम अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी नहीं पाएंगे। और ये तीनों नियम ही महत्वपूर्ण है, तभी हमने ये 3 नियम लिए। ये तीनों नियम मेरे प्रिय बंधु एक से बढ़कर एक ही है, या पहला तीसरा उठाएंगे तो फिर जब पहला उठाएंगे तो वो तीसरा बड़ा हो जाएगा। मेरे प्रिय बंधु सभी बराबर हैं और सभी एक से बढ़कर एक है, एक भी छूटेगा ब्रह्मचर्य खंडित होगा, तीनों चलेगा निश्चित ही ब्रह्मचर्य पालन होगा, और तीनों के बिना कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। सर्वप्रथम अंतिम नियम आपका होगा मेरे प्रिय बंधु की, अगर आपको 3 बजे उठना है तो आपको तो सुबह सोना 9 बजे तक सोना ही सोना है, परंतु आपका भोजन अति महत्वपूर्ण हो जाता है इस विषय में। अगर आप भोजन 4 बजे शाम को नहीं ले रहे हैं, शाम का भोजन, रात का भोजन, तो भी आपको स्वप्न दोष हो जाएगा, तब 11-12 बजे भी
हो सकता है आपका स्वप्न दोष अगर आप 3 बजे उठ रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप 9 बजे भोजन खाकर सो रहे हैं तो भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा, और जब वो भोजन सड़ेगा तो शरीर में बल बढ़ाने के लिए नहीं, रोग बढ़ाने के लिए वो लाभ देगा। तो रोग आपको मेरे प्रिय बंधु जकड़ लेंगे, बहुत से प्रकार से रोग है मेरे प्रिय बंधु जो देख ही रहे हैं समाज में फैले हुए हैं, तो वही रोग मेरे प्रिय बंधु हम लोगों को भी जकड़ लेंगे। ये 3 नियम, भोजन शाम को 4 बजे आपको लेना है और टाइम पर, नियम से प्रतिदिन 4 बजे शाम को 21 दिन लीजिए, और ये दोनों नियम और एक भोजन का निश्चित ही अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन ना कर लें तो इसी वीडियो में आकर हमें बताइएगा कि हमने ये तीनों नियम 21 दिन तक पालन किया, 22वें दिन हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। कभी भी मेरे प्रिय बंधु ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अनुभव अपना है और शास्त्रों का ज्ञान है, वेद अपना कहते हैं, पुराण अपना कहते हैं। ये जो ध्यान है ये सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, और ध्यान क्या मेरे प्रिय बंधु तीनों ही महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए, दिमाग के लिए, सब कुछ के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण है। परंतु ध्यान जो है, ध्यान मेरे प्रिय बंधु आपको मनुष्य से परमात्मा बना सकता है। अगर आप ध्यान अधिकाधिक करने लगे तो निश्चित ही आप ये समझने का प्रयास करिए परमात्मा बना सकता है, तो फिर ये ध्यान जो है हमें ब्रह्मचारी तो निश्चित ही बना देगा, और लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन इसी ध्यान के बलबूते आप कर सकते हैं। 1 घंटे ध्यान करेंगे, अगर 1 घंटे तो कर नहीं सकते, 1 घंटे शुरुआत में नहीं होगा, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपसे हो धीरे धीरे बढ़ाते चलिएगा। और यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो ये समझने का प्रयास करिए कि आप दिन में भटकेंगे, दिन में भी आपका वही माहौल बना रहेगा जो सुबह में माहौल होगा। जैसे मैं जिस दिन सुबह नहीं उठता हूँ उस दिन चिड़चिड़ापन, आलस्य, निद्रा, भोग, इसी सब में सुबह उठने वाला व्यक्ति उसी माहौल में रहेगा। जो परमात्मा सुबह 1 घंटे हम लोगों के मन में आया वही माहौल 2400 घंटे गुजरेगा, और फिर अगले दिन हम लोग परमात्मा के द्वार पर आधे घंटे के लिए पहुंच जाएंगे ध्यान करने के लिए, और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में। अन्यथा इन्हीं काम क्रोध लोभ और यही कापुरुषों में फंसकर मेरे प्रिय बंधु रोगी शरीर पाकर निश्चित ही जो व्यक्ति कुछ करने के लिए इस संसार में आए थे सिर्फ मेरे प्रिय बंधु भोग में लगकर रोगी शरीर पाकर अपने आप यहाँ से बिना कुछ किए चले जाएंगे, और जाने के पहले ये समझिए कि भोग कर जाएंगे। भोगना तो निश्चित ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडन का मतलब करोड़ों जीव मरते हैं। करोड़ों जीव मरने का मतलब है मेरे प्रिय बंधु एक बार अगर वीर्य नाश हो रहा है तो करोड़ों शुक्राणु, और करोड़ों नहीं वो तो मिलियन का मतलब ये हुआ कि 210 मिलियन, 220 मिलियन, 150 मिलियन, तो 150 मिलियन मेरे प्रिय बंधु जब शुक्राणु मरेंगे तो वो पाप कहाँ जाएगा, वही पाप हम लोगों के चेहरे पर दिखता है, वही पाप शरीर में रोग बनकर आ जाता है। और इसीलिए मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन हम लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो ये 3 नियम अति महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको बताए, और ये तीनों नियम जो भी व्यक्ति पालन करेगा, मैं 100% अपने अनुभव के अनुसार आपको बता दूं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ले जाएंगे लंबे समय तक, और बिना इन 3 नियमों के ब्रह्मचर्य पालन संभव ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा समझा, परंतु मेरे प्रिय बंधु इस वीडियो को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, जिससे आप बलवान, समृद्ध, ज्ञानवान, ध्यानवान और सभी प्रकार से मेरे प्रिय बंधु आपका चौतरफा विकास हो, यही आशा और कामना करते हुए परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा ने नमः।